रूस के दौरे पर पहुंचे उत्तर कोरिया के लीडर किम जोंग उन ने बहुत बड़ा बयान दिया। किम जोंग उन का कहना है कि वो और उनका देश हमेशा रूस के साथ खड़ा रहेगा। इसी बीच व्लादिमीर पुतिन और किम का एक वीडियो दुनिया भर में ट्रेंड भी कर रहा है। दरअसल पुतिन के साथ किम जोंग उन ने रूस के एक सैटेलाइट लॉन्चिंग ग्राउंड का दौरा किया और इसी बात को लेकर बाइडन बेहद परेशान हो चुके हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन दोनों मिले, दोनों में मुलाकात हुई, कई राउंड बात हुई, मीडिया के सामने दोनों ने कहा हम साथ साथ। दोनों की यह मुलाकात क्यों इंटरनेशनल हेडलाइन बनी हुई है? पुतिन और किम के बीच ऐसा क्या करार हुआ है जो अमेरिका की आंखें चौड़ी हो गई हैं? इसे रूस और उत्तर कोरिया में तो देखा ही जा रहा है, अमेरिका की मीडिया में ये डिबेट का मुख्य मुद्दा क्यों बन गया है? यूरोप के ज्यादातर देश इस मुलाकात पर क्यों नजर बनाए हुए हैं? वीडियो नंबर दो। वीडियो नंबर 3। वीडियो नंबर 4। वीडियो नंबर 5। व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उन का खासकर ये वीडियो क्यों दुनिया भर में देखा जा रहा है? सोशल मीडिया पर ये वीडियो क्यों सुपर ट्रेंडिंग है? रूस पहुंचे किम जोंग उन को पुतिन क्या दिखा रहे हैं? इस वीडियो के सामने आने के बाद अमेरिका की टेंशन क्यों बढ़ गई है? क्या पुतिन किम को लेकर किसी मिसाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म पर पहुंचे हैं? क्या इस स्पॉट का पुतिन और किम के बीच हुए करार से कोई करीब का कनेक्शन है? रूस और उत्तर कोरिया में इस मुलाकात का लाइव टेलीकास्ट तो हो ही रहा है, अमेरिका का रक्षा विभाग भी इस मीटिंग को लेकर चौकन्ना है, यूरोप और अमेरिका की खुफिया एजेंसियां इस मुलाकात की तहकीकात में लगी। पुतिन और किम में क्या बात हुई? पुतिन और किम में क्या डील हुई? किस डील से अमेरिका को बड़ा झटका लगा है? पुतिन किम के किस फैसले से जापान की मुश्किलें बढ़ गई है? आखिर किम और पुतिन को दोनों को एक दूसरे से क्या चाहिए? अमेरिका में उत्तर कोरिया को लेकर बहस शुरू हो गई है, क्योंकि किम की ये रूस यात्रा ऐसे वक्त में हुई है जब यूरोप में यूक्रेन को बहुत बड़े युद्ध का सामना करना पड़ रहा है, खतरा पूरे नेटो पर है। ऐसे समय में उत्तर कोरिया के प्रमुख पुतिन से मिलकर दुनिया को डराने की एक नई वजह दे रहे हैं। किम और पुतिन की ये मुलाकात रूस के पूर्वी छोर पर बसे अमूर इलाके में हुई है। अगर सटीक लोकेशन की बात करें तो अमूर इलाके के वोस्तोचनी कॉस्मोड्रोम में हुई है। वोस्तोचनी कॉस्मोड्रोम जंगलों के बीच में मौजूद रूस का सबसे आधुनिक अंतरिक्ष रॉकेट प्रक्षेपण स्थल है। रूस ने लूना 25 के लिए यहीं से चंद्रमा के लिए लॉन्च किया था। उसी वोस्तोचनी कॉस्मोड्रोम में किम जोंग उन का पहुंचना, वहां पुतिन से मिलना और आखिर में पुतिन का ये कहना कि रूस उत्तर कोरिया को सैटेलाइट बनाने में मदद करेगा, इस मुलाकात के मकसद से पर्दा उठा देता है। Совсем недавно
Корейская Народно-Демократическая Республика отмечала 75 лет своего создания, основания. राष्ट्रपति पुतिन ने पूर्वी रूस के जंगलों के बीच स्थित रूस के सबसे आधुनिक अंतरिक्ष रॉकेट प्रक्षेपण स्थल पर उत्तर कोरिया के किम जोंग उन से मुलाकात की है। किम के साथ पुतिन वोस्तोचनी कॉस्मोड्रोम रॉकेट कंस्ट्रक्शन साइट पर भी पहुंचे। वहां दोनों ने वहां मौजूद लॉन्चिंग साइट का जायजा भी लिया। पुतिन का कहना है कि उत्तर कोरिया ने रॉकेट तकनीक में गहरी रुचि दिखाई है। उत्तर कोरिया अपना स्पेस प्रोग्राम विकसित करने की कोशिश कर रहा है। उत्तर कोरिया के स्पेस प्रोग्राम में रूस उसकी मदद करेगा। रूस उत्तर कोरिया को सैटेलाइट बनाने में मदद करेगा। पुतिन का ये ऐलान जहां उत्तर कोरिया के लिए खुशखबरी लेकर आया है, वहीं अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान के लिए इसे बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि किम के रूस दौरे के दौरान ही उत्तर कोरिया ने दो दो बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किए हैं। उत्तर कोरिया की धरती से मिसाइल लॉन्चिंग और रूस की धरती पर किम का पुतिन से मिलना, ये दोनों घटनाएं साफ साफ इशारा कर रही हैं कि कैसे अमेरिका के साथ जारी टकराव के बीच रूस और उत्तर कोरिया के हित कैसे एक हो रहे हैं। विदेशी मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर कोरिया को जहां सैटेलाइट तकनीक और परमाणु हथियारों की सुरक्षा करने की तकनीक की तलाश है, वहीं यूक्रेन युद्ध में फंसे रूस को हथियारों की सख्त जरूरत है। रूस की तरफ उत्तर कोरिया भी गंभीर आर्थिक प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। ऐसे में किम जोंग उन ने अपने देश के खस्ताहाल खजाने को भरने के लिए नए तरीके खोजे हैं। सोवियत संघ की मदद से उनके दादा और उत्तर कोरिया के संस्थापक किम इल सुंग ने सत्ता संभाली थी। इसके बाद से ही रूस और उत्तर कोरिया एक दूसरे के मददगार बने हुए हैं। पुतिन के रूस को किम जोंग उन के इस दौरे से क्या हासिल होगा, इसकी शुरुआत उत्तर कोरिया के डिफेंस इंडस्ट्री से की जा सकती है। यूक्रेन में रूस की लड़ाई जिस तरह से लंबी खिंच रही है, उससे तो लगता है कि ये मॉस्को के लिए गोला बारूद की सप्लाई के लिए उत्तर कोरिया मजबूत जरिया साबित हो सकता है। We have been very clear about what our position is, which is that any transfer between of arms from North Korea to Russia would violate multiple United Nations Security Council resolutions. It would be a sign of the desperate state in which the Russian government finds itself a year and a half into this war that has been prosecuting unsuccessfully against Ukraine. अमेरिका को आशंका है कि रूस ने पहले से ही इस विकल्प पर काम करना शुरू कर दिया है। अमेरिका ने दावा किया है कि रूस और उत्तर कोरिया के बीच हथियारों के सौदे को लेकर बातचीत काफी आगे बढ़ गई है। यूक्रेन युद्ध के बीच रूस और उत्तर कोरिया दोस्ती बढ़ाने में जुटे हैं। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका का दावा है कि उत्तर कोरिया के पास हथियारों का विशाल भंडार है। ऐसे में अपने खाली हथियारों के गोदाम को भरने के लिए रूस ने उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन से मदद मांगी है। दावा किया जा रहा है कि उत्तर कोरिया रूस को हथियारों की सप्लाई कर सकता है और इसके बदले में उसे रूस से सस्ते में कच्चा तेल और अनाज मिल सकता है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने दावा किया है कि ऐसा लग रहा है कि उत्तर कोरिया रूस को रॉकेट और टैंक के गोले की सप्लाई करने वाला है। दावा किया गया है कि उत्तर कोरिया रूस को जो गोला बारूद भेजेगा, वो सोवियत जमाने के हथियारों की नकल से बनाए गए हैं और वो रूसी लॉन्चरों में फिट हो सकते हैं। दावे के मुताबिक उत्तर कोरिया के परमाणु हथियारों और गाइडेड मिसाइलों पर बढ़ती निर्भरता ने भी इन पुराने पड़ चुके हथियारों की जरूरत कम कर दी है और इसे रूस को सप्लाई कर उत्तर कोरिया बदले में कच्चा तेल और अनाज ले सकता है। IISS के आंकलन के मुताबिक उत्तर कोरिया के पास 20,000 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है।